सर हमारे पास चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, टिक्की है, क्वाब है, पिज्जा, बिरयानी है, कोरमा, गुर्दे के पूरे, दिल है, चांप है, मगर का खाता है, पाया दाल है, सब्जी है, फिश है, रबड़ी, हौसला 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 देखी जगह स्टीम रोल, सादा चमी, दाल क्वाब, चिकन क्वाब, मटन क्वाब, बीफ क्वाब, चीज़ पनीर, मलाई पनीर, तवा पनीर। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। माशाल्लाह से आज रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा स्टार्ट हो गया और आज 21वां रोज़ है और हम लोग लाहौर की मोस्ट आइकॉनिक प्लेस के ऊपर खड़े हैं। ये जो इस पुल का क्या नाम है, ये यादगार वाला पुल है और पीछे हमारे बादशाही मस्जिद है और लाइटिंग में क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है बादशाही मस्जिद का और इस तरफ को है मीनार पाकिस्तान। तो अभी हम लोग निकले हैं, सहरी का टाइम है, रात के कोई 3 बज रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि लाहौर में आज क्या हमें सहरी में मिलता है, जाके ज़रा एक्सप्लोर करते हैं, जगह सारी देखते हैं जिधर हमें ज़रा कमाल का माहौल मिलेगा, फिर बैठ के वहाँ पर सहरी करेंगे और आपको भी दिखाते हैं कि जी लाहौर में किस तरह सहरियाँ चलती हैं। हालांकि आज वीकेंड नहीं है लेकिन चेक करना ज़रा लाहौरियों का सहरियों के लिए क्रेज़। चले फिर, देर हो रही है, 3 बज गए हमें, तो ज़रा इस व्यू को अलविदा कहते हैं और निकलते हैं, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। एक हवा बड़ी प्यारी चल रही है, चलो चलो। तो मैंने कहा क्यों ना आज अनार कली को डिस्कवर किया जाए कि यहाँ पे क्या क्या खाने मिलते हैं। हम लोग 2 दफ़ा वारिस की निहारी खाने आए हैं, तो जब भी आए हैं तो अनार कली में भाई अखीर का रश हमें नज़र आया, तो मैंने कहा कि चलो आज हम लोग लाजमी अनार कली जाएंगे और अनार कली हम लोग आ गए और जो रश की सूरत हाल है मेरे सामने, कमाल की है, क्या रश लगा हुआ है। और अच्छा आज ना वीकेंड नहीं है, आज मंडे है, तो मुझे लगा था कि अनारकली में इतना रश नहीं होगा, लेकिन एज़ यूजल उसी तरह रश चल रहा है क्योंकि पीछे 10 रोज़े रहेंगे, ये रमज़ान की रौनकें 10 दिन बाद ख़त्म हो जाएंगी, फिर पूरा साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये रमज़ान की रौनकें दोबारा बहाल होंगी, बारिस की निहारी पर खड़े होने की जगह नहीं होगी, नासिर के पाए इफ्तारी के टाइम लगेंगे और अनारकली में भाई रात के 3 बजे धड़ाधड़ खचमखच क्या होता है, यही होता है, खचाखच होगी। खैर अभी शुरू करते हैं, ज़रा ऐसा करते हैं कि ना वो पीछे से आते हैं, इस जगह से ना सारा हम लोग कवर करते करते हर चीज़ को देखते हैं, जहाँ पे समझ आती है फिर वहाँ पे बैठ के हम लोग अपनी सहरी करते हैं। जने अंडा, जने कोफ्ता, जने बोंग पाए, लस्सी, पराठे, दही, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। आता हूँ ज़रा वो पीछे से ना, वो रश काफ़ी लगा है, मैं ज़रा चेक करके आऊँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी फूड हंटिंग, सहरी हंटिंग बेसिकली। एक क्या कमाल का रश लगा हुआ है यहाँ पे, कोई 15-20-25-30 दुकानें हैं और सब ने ऐसा माहौल उठाया हुआ है, रोड मेरा ख्याल है अभी कोई 10-15 मिनट तक बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पे ना 2 लोगों के पास बहुत शदीद रश है, एक आज़म मुर्ग चने वाला है और एक बाबर खोए मटन चने। बाबर के चने हम लोगों ने पहले भी ट्राई किए हैं, कमाल के चने हैं, उसके बाद आज़म मुर्ग चने। हाँ जी हाँ जी, मैं बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ। तो हम लोग ऐसा करते हैं, देखते हैं और फिर इन 2 के चने ट्राई कर लेते हैं कि इनके पास इतना रश है तो क्या ऐसी खास बात है, लेट्स गो भाई, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। ये आज़म मुर्ग चने एंड बोंग पाए और भाई चेक करो ज़रा, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से सारी जनता शुरू हो रही है, ये लोग बैठे हैं वो एंड तक जहाँ पे वो ये ब्लू बोर्ड है, यहाँ तक सारा रश ये आज़म मुर्ग चने वाले का लगा हुआ है और लोग यहाँ पे चने खा रहे, साथ साथ लस्सियाँ पी रहे हैं, इनके पास है। ये देखो जरा क्या खा रहे हो आप लोग, हम लोग बोंग पाए खा रहे हो, ये आज़म के, अच्छा हाँ जी, बना लूँ, इजाज़त है आपको, हम मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, एक मिनट, मेरा तल्लुक है खाने से, हम खाने की बात करेंगे। अच्छा ये पाए भी हैं और चने भी हैं, तो कैसा लगा टेस्ट आपको? बहुत अच्छा सही है, चलो अभी इंजॉय करो। अच्छा जिस तरह रश लगा और जिस तरह ये बच्चे आज़म के चने और पाए खा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहली ब्रेक लगा लेनी चाहिए, तो हम ज़रा यहाँ पे बैठ के कोई लेके टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। चलो 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 ज़रा आज़म साहब के पास चेक करें हम लोग। ओए हो, ये क्या चीज़ है? मटन के पीस है, मटन के पीस पड़े हुए हैं और इसके अंदर चने हैं, वो आगे पाए कौन से, छोटे के बड़े? बड़े भी हैं, ख़त्म भी हो गए यार, अभी तो
घंटा पड़ा हुआ है। आज हम मटन चले, पूरी चले और पाए के ऑनर है हमारे साथ। ये क्या राज है, इतना रश आपने लगवाया हुआ है? बस अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह चीज अच्छी पकाते हैं, खुद पकाते हैं, मसाले फूल हर चीज मनियार के मुताबिक बनाते हैं। तो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ने रोड के लगाई हुई है। ये बाबा सूफी बरकत अली की दुआएं हैं, अल्लाह ने रंग लगाए हुए हैं। नहीं बाकी और रश लगा हुआ है, और भाई बता रहे हैं पाए खत्म भी हो गए। पाए खत्म हो गए हैं, बड़े पाए, बहुत छोटे पाए, मगज, जुबान, खाद, मुर्ख चने, कोफा चने, अंडा चने, मटर चने, पराठा, लस्सी, आलू वाला पराठा, मूली वाला पराठा, दाल वाला पराठा, हलवा पूरी, हर चीज अल्लाह के हुक्म से यहाँ से मिलती है, और जो खाता है खुश हो गया जाता है। हम ये सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, चने हमें जरा चेक करवाएं, चने चेक कराओ जरा, पहले टेस्ट करवाएं कैसे आप चने, आप हमारे खाएंगे ना, आपने कभी टेस्ट नहीं किया होगा जैसे हमारे चने हैं। सही हो, एक नाम दो, चलो चलो एक नाम दो। हमारे इतने कमाल के चने रेडी हो गए हैं, मटन का पीस। अच्छा ये मटन के पीस के साथ कितने की प्लेट है? ये चने अंडर मटन की प्लेट है 800 की है, 1000 की है, 1300 की है, 1800 की है, जितनी कोठी के हिसाब से है माशाल्लाह, उसके मुताबिक हम ये डाल के देते हैं। सही हो गया। अगर कोई वैसे आ जाए, कोई प्यार में बता ला, उतने की भी दे देते हैं। अच्छा चलो भाई, हम लोगों ने बॉयज को ज्वाइन कर लिया है और हमारे पास चने आ गए हैं बड़े जबरदस्त से, तो ये सब पाए खा रहे हैं, मैं इनके अंदर बैठ के चने खा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। मेरी भाई ध्यान से, ओके ब्रो, ओए हो जैसा है कि नहीं, बहुत अच्छे हैं। वाकई बात है आजम के चनों में बिल्कुल लाइट से, इतनी मिर्चें भी नहीं है, बड़े जबरदस्त यार, कमाल है, बहुत कमाल के। वो जैसे होते नहीं मखनी चने, उस तरह की ग्रेवी है, जबरदस्त है यार, बहुत अच्छे हैं। एवं नहीं वहाँ इतनी बैठी हुई, इतना रश लगा हुआ। आप यहाँ क्यों नहीं? वाकई बहुत अच्छा जी, मजे के हैं। ये मेरे पीर भाई, ये जितना रश है सारा आजम साहब का रश है यहाँ से एंड तक। अब आगे चलते हैं, नहीं जा रहे अब। एक मिनट यार, जेन्युइन बात है, मज़ा आ गया चने खाने का, कमाल के चने थे, बहुत ज़बरदस्त। अब आगे बाबर के भी चने बड़े अच्छे हैं, अब ज़रा बाबर का भी जाके देखते हैं क्या माहौल चल रहा है उधर। मगज, आलू, कीमा, दाल, माँच, दाल, चने, उसके अलावा छोटे भाई, बड़े, बोंग, मगज, कद, बान, मुर्ग, चने, अंडा, कोफ्ता, सादा, उसके अलावा सादा पराठा, आलू वाला, दाल वाला, चिकन वाला, मूली वाला, और स्पेशल बादशाह डॉन के बादशाह, ठंडी चाय, गर्म लस्सी है सर। बादशाह नाम तो सुना होगा, बादशाह डॉन पकड़ेगा कौन, मौत का दूसरा नाम भी बादशाह डॉन, और की यूनिवर्सिटी की लड़कियों की जुबान पर एक ही बादशाह। थैंक यू। सबसे पुराने यहाँ के मशहूर है मैम इकबाल बाला साहब, और मैं भी इधर तकरीबन 18 साल हो गए हैं ठीक के पास काम करता हूँ। सबसे पुराना बादशाह नाम भाई क्या क्या नाम क्या बाला साहब? हाँ जी, अब्दुल रहमान अहमद इकबाल बाला। तो क्या क्या मिलता है यहाँ पे सर? छोटे पाए, बड़े पाए, पाओगे, मजे का खाता है, जुबान है, मुर्ग चने, अंडा चने, कोफ्ता चने, सादा पराठा, आलू वाला, दाल वाला, चिकन वाला, हलवा पूड़ी भी होती है, पराठे छराठे भी होते हैं, और उसके अलावा कढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ, बारबेक्यू, टिक्के। अच्छा अब बात ये है कि ना आधा घंटा रह गया, जरूर मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा, वादा रहा आप सर। इंशाल्लाह जिस दिन ट्राई करोगे मेरी ट्रिप भी करके जाओगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। ये फिनिश हो गई है सारी, बस थोड़ा बहुत ही रह गया, तो अल्लाह ख्याल किया तो सबसे पुराने मशहूर, इन्होंने तरक्की भी की है, छोटे से होटल रेस्टोरेंट से दुकान से बड़ा रेस्टोरेंट बनाया है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। फिर लोगों के लिए बर्तन, सफाई, पानी तक, वाटर सप्लाई, फिल्टर का ये मंगवाते हैं, इसकी जरा पूरी वीडियो बनाओ जरा, इंशाल्लाह बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। धड़ाधड़ पराठे लग रहे हैं, आलू वाले, दाल वाले, कौन कौन सा पराठा, जो नाम लोग यहाँ पे, पराठे चल रहे हैं, साथ ही लस्सियों की दुकानें हैं, जूस चल रहे हैं। ओए हो यार, ये बाला जो भाई बता रहे हैं, गर्मा गर्म रोटियां लग रही हैं। आए हैं अंकल, बड़ी स्पीड है आपकी वैसे। दुआ कर दिया जरूर इंशाल्लाह। और यहाँ पे पाए शाये, चने वगैरह, हर चीज पाए पड़े हुए हैं, थोड़े बहुत ये ही पाए पड़े हैं, उसके बाद यहाँ पे चने खत्म हो गए हैं, पतीला भरा हुआ था, ये भी भरा हुआ था, सही हो गया। चले फिर, जब ये भरा होगा ना इंशाल्लाह आएंगे आपके पास, जरूर आएंगे।
इस टाइम यहाँ पे तिक्के चल रहे हैं, बारबेक्यू चल रहा है और यहाँ पे साथ ही पराठे लगे हुए हैं बारिश तिक्का एंड निहारी हाउस पे। उसके बाद न्यू हाजी रहमत रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी बारबेक्यू और निहारी वगैरह वाला सारा सीन है। वो आगे बाबर है, बाबर मटन खोए चने वाला, वहाँ पे चलते हैं। यार मेरा ना दिल ही नहीं कर रहा है यार रमजान खत्म हो, जिस तरह की हम लोग रौनकें देख रहे हैं, हम लोग ऐसा ऐसा सीन देखे जो हमने पूरे पाकिस्तान में अभी तक कहीं नहीं देखा, और माशाल्लाह लाहौर की आवाम उसी तरह यहाँ पे सहरी करती है। तो दिल कर रहे यार सारा साल रमज़ान रहे, हम लोग सहरी के टाइम आए, ऐसी रौनकें देखें और साथ खाने शाने लाहौर के खाएं, बाकी पाकिस्तान के भी। खैर फिलहाल अपना बाबर खोए वाला आ गया है। हाँ जी, क्या क्या खाया आप लोगों ने? हमने चाय पी है बस। नहीं, हमने सहरी की है शिफा पे। अच्छा, शिफे पे करके आए हैं। सही, तो यहाँ पे स्पेशल चाय पीने आए हैं। सही हो गया, जबरदस्त है, पूरी टोली आप साथ लेके आए। भाई ये है बाबर के खोए वाले मटन चने, चेक करो जरा मटन की मछलियाँ। ओए होए होए, जबरदस्त। यहाँ पे चने हैं वो आगे, ये छोटे पाए हैं, ये बड़े पाए हैं बकरे के। अच्छा, ये मटन पाए है वहाँ पे, बड़े बॉम पाए, वो बड़े पाए, और वो वाले पतीले में मुर्ग चने हैं। अच्छा, ये मटन चने हैं, छोटे पाए, बड़े पाए, और वहाँ पे मुर्ग चने हैं। हम लोग ऊपर आ गए हैं और क्या चनों वाला हेवन है यहाँ पे, और पाए क्या खुशबुएं आ रही है, जबरदस्त है। छोटे पाए देखने में कमाल के लग रहे हैं, और मटन चने भी जबरदस्त है। मुझे लगता है कि यहाँ पे खड़े होने का मजा बड़ा आता है, जैसे खाने की खुशबुएं उड़ती हैं। अंकल कितने साल से आप पाए बना रहे हैं? 20 साल से इधर ही। सही हो गया। और बड़े पाए छोटे पाए दोनों जी। तो किस टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है? मतलब ये पीक टाइम है बिल्कुल, और भाई अमाम का क्रेजी सीन है। ये मेरे कैमरा मैन जो खड़े हुए हैं उनको पता लग रहा है, कैमरे के आगे भी सारी दुनिया आ रही है। खैर चने शने पाए और कमाल का माहौल है। ज़रा हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ लेके ना यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं कि खाना अब कैसा है। पहले तो चने खाए थे, कमाल के थे। ओए होए होए, ज़बरदस्त, कमाल हो गया। छोटे पाए मैंने पहले ही कह दिया, खुशबू से ही बहुत कमाल के लग रहे हैं, ज़बरदस्त। ये वही दुकान है जहाँ पे हमें वो दिल वाले कुलचे मिले थे, वो एक अंकल थे, उन्होंने हमें दिल वाले कुलचे लगा के दिए थे। इनके भाई हैं, वो मौलवी साहब आपके भाई हैं ना, इनके भाई हैं, उन्होंने अब आगे दुकान खोल लिया, अलग से उनका सारा सेटअप हो गया। लेकिन ये वही दुकान है, दिल वाले हमें कुलचे मिले थे, और ये सामने बाहर बैठ के हम लोगों ने यहाँ पर नाश्ता किया था। तब हम लोग नाश्ते कर रहे थे, आज हम लोग सैरी करने दोबारा आ गए। ये क्योंकि हमने पीछे भी चने खा लिए थे, तो यहाँ से मैंने पाए भी थोड़े से मंगवा लिए, तो चने और पाए ज़रा हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होए 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 होए, पाए भाई, ये बड़े पाए हैं। सही है, हम लोगों ने पहले भी खाए थे, कमाल के चने थे, और बाबर के चने मशहूरी खोए वाले चनों के नाम से हैं, तो ये चने भी भाई खोए वाले चने हैं। यार वो पहले चने भी खाए थे, खीर मज़ेदार थे, और ये भी तकरीबन सेम सेम चने हैं दोनों में। यहाँ पे पाए भी, ओए होए लाल बोटी, मज़ेदार सी लाल बोटी। ओए होए होए, गरम बड़े यार, चलो शोर बट रहे यार, जबरदस्त है, अच्छे पाए हैं। लेकिन इनके जो चने हैं ना भाई, वो अखीर है, बनाने दो भाई।
अच्छा मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, सैरी कर ले उसके बाद जरा मिलते हैं। हाँ जी जनाब, खाना शाना हम लोगों ने खा लिया है और क्या माहौल था यार आज अनाज गली में, मज़ा आ गया। क्या निज़ाम चल रहा था, सहरियों का खाने चल रहे थे और अभी हम लोग लाहौर की खूबसूरत सड़क के ऊपर वॉक कर रहे हैं ताकि ज़रा खाना हमारा हज़म हो जाए। ये पीछे सारा लाहौर म्यूज़ियम है, इस तरफ को NCA यूनिवर्सिटी है, PU कैड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो बस अभी यहाँ से आगे चलते हैं और फिर अपने घर को निकलते हैं। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, बहुत बहुत अच्छा टूर है। खैर आज की इस मज़ेदार सी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।